आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। देश में एक चलन चल रहा है, वो चलन ये कि साहब आप कहीं भी जाएं और कहें कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए। ये काशी से शुरू हुआ मामला ईदगाह पहुंचा, खासतौर पर मथुरा के ईदगाह, और उसके बाद जो ये मामला है वो पहुंचा आगरा के ताजमहल, और फिर इसके बाद तस्वीर देखने को मिली दिल्ली के कुतुब मीनार पर, जहां हिंदूवादी संगठन के लोग जाते हैं, एक बवाल खड़ी करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि साहब इसके नीचे मंदिर है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। ये करना ताजमहल के मामले पर हिंदूवादी संगठनों को भारी पड़ चुका है, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना बड़ा करारा तमाचा इनके गाल पर जड़ा था, जिसे सबक लेने के बजाय आधा अधूरा ज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को इनके मुंह पर दे मारा है, और जो शब्दों का इस्तेमाल कोर्ट के जज द्वारा किया गया है वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये महज आपका एक पब्लिसिटी स्टंट है, इसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज लेने की जरूरत है, और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल मुतमईन हैं, और इस तरीके के विवाद को खड़ा करने की कोशिश आप लोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से इन्हें जलालत का सामना करना पड़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल मामले पर, एक बार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आज हुआ है इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ताजमहल के असली इतिहास का पता लगाने को लेकर कमरे खुलवाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर दे मारा है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करके कोई गलती नहीं की है, और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इस पर जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम एम सुदर्शन की बेंच ने याचिका को खारिज किया। याचिका में कहा गया था कि कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के तहखाने के कमरों को खुलवाकर सत्य और तथ्य का पता लगाने की गुहार लगाई थी। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया, और याचिका में कहा गया कि अब तक इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि मूल रूप से ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें डॉक्टर सिंह की याचिका खारिज कर दी गई थी। डॉक्टर सिंह ने ताजमहल के तहखाने के कमरों को खुलवाकर सत्य और तथ्य का पता लगाने तक की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के तौर पर 1671 से 1653 के बीच यानी कि 22 वर्षों में कराया था, लेकिन ये उस दौर के इतिहास में बयान की गई बातें भर हैं। इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर दे मारी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी दमदार दलीलें जो हैं उस दौरान रखी थी, और ये साफ तौर पर कहा था कि जिस टॉपिक पर आप बहस करने के लिए कोर्ट में कूदे हैं या जिस पर आप बात कर रहे हैं उसका आधा अधूरा ज्ञान या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ ज्ञान हम लोगों के सामने ना परोसे, क्योंकि माय लॉर्ड हैं जिन्हें तमाम तथ्यों के बारे में पता होता है। इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस दलील की देशभर में प्रशंसा हुई थी जहां पर इन्हें जलालत का सामना इलाहाबाद हाई कोर्ट से करना पड़ा था, क्योंकि उस दौरान ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने वाली मांग याचिका को
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग के औचित्य पर सवाल उठाया और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि कमेटी बनाकर आप क्या जानना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका समुचित और न्यायिक मुद्दों पर आधारित बिल्कुल नहीं है, जिस पर जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ताजमहल पर दायर विवाद में गुरुवार को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन से जजमेंट दिखा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए, जिनमें अनुच्छेद 19 के तहत बुनियादी अधिकार और खासकर उपासना, पूजा और धार्मिक मान्यता की आजादी का जिक्र है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि हम आपकी दलीलों से सहमत नहीं हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है। कमरों को खोलने के संबंध में याचिका के लिए ऐतिहासिक शोध में एक उचित पद्धति शामिल होनी चाहिए। इसे इतिहासकारों पर छोड़ देना चाहिए। हम ऐसी याचिका पर विचार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज की मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं ये आपका अधिकार नहीं है कि इतिहास में क्या था या क्या नहीं था। आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। तो वहीं सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मैंने पाया कि यह याचिका आगरा में स्थित ताजमहल के इतिहास के संबंध में एक अध्ययन के लिए एक निर्देशन की मांग करती है। दूसरी प्रार्थना ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने की है। हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने हमें पूरी तरह से गैर न्याय संगत मुद्दे पर फैसला देने का ऐलान किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब कहा था कि कमरे को खोलने की मांग के लिए किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत नहीं है। हम रिट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है। ये याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई थी और कहा था कि इस मुद्दे पर रिसर्च करो, इसके लिए एमए पीएचडी करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आओ, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हम आपके पढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे, जिसकी दलीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामने रखा था। और एक करारा तमाचा हिंदूवादी संगठनों की उस याचिका पर चढ़ दिया था जहां ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के लिए तमाम चीजें रखी गई थी और एक याचिका के चलते गोदी मीडिया ने कैसे ताजमहल का इतिहास दिखाने की कोशिश की, इस पर भी सवाल खड़े हुए। तो जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदूवादी संगठनों के ऊपर हंटर चलाया, तो वही हंटर को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के मामले पर। हर एक मुद्दे से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।